आप खबरें देख रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। दरअसल बिहार की बात करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान एक बार फिर से रामचरितमानस वाले विवाद से जुड़ा हुआ आया है। दरअसल वर्ण व्यवस्था पर पहले से वो सवाल खड़े करते रहे और अब उन्होंने और भी इसमें कुछ चीजें जोड़ दी हैं। क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ये वर्ण व्यवस्था जो किसने बनाई, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? कुछ लोग जो चंद लोग हैं अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको एक निम्न वर्ग बोलते हैं। कुछ लोग जो कथा कहते हैं हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथा करते तो निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है। तो आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव ने वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले लोगों पर सीधा निशाना साधा है। हमारे सहयोगी संजीव इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझा दें दर्शकों को। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में भी जो स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां बनी है, बयानबाजियों का दौर अगर कर लीजिए तो रामचरित मानस पर जिस तरह से बयानबाजी, उसके बाद उसको कह सकते हैं कि जो पूरा जो ये कह सकते हैं बिहार की राजनीति सवाल आया, उसके बाद तेजस्वी जिस तरह से कहा है कि सबको साथ साथ लेकर चलने की बात है, कोई एक खास वर्ग और कहीं कुछ बोलता है तो इससे समाज नहीं चलेगा। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का जो संगठन था एक जेट का लगातार तेजस्वी जो है, जो वर्ग है चाहे वो कोई भी वर्ग हो उसको साथ लेकर चलने की बात, और ऐसे में जो ये बात सामने आई है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जो वोट बैंक है या जिस तरह से जो बिहार की राजनीति में जो नया उभार आया है उसको एक तरह से कहे कि उस जनरल कंट्रोल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तेजस्वी। और इस बयानबाजी के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में जो ये सब चल रहा है वो ठीक नहीं है और समाज को। लेकिन अब इसमें एक और सवाल ये भी उठता है कि वर्ण व्यवस्था जब थी तब थी, आज वर्ण व्यवस्था को फॉलो कितना किया जाता है, सोचने की जरूरत ये भी है। क्या ये हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के बयान आया, चंद्रशेखर का जिस तरीके से बयान सामने आया, उसके बाद वर्ण व्यवस्था को लेकर के बयान सामने आया, बिहार में हम जान रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है उसकी तरफ सरकार आगे बढ़ी, जनगणना जो है वो शुरू की गई, मतलब ये समझाएं थोड़ा सा कि बिहार सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जाति धर्म को भूलिए आगे बढ़िए, दूसरी तरफ फिर ये याद दिलाया जाता है कि वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये याद दिलाने की जरूरत क्या फिर? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। जाहिर तौर पर जो तेजस्वी का ये पूरा कह सकते हैं कि जो ट्वीट कर सकते हैं या जिस तरह से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ये साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो एक जातीय समीकरण की जो गांठ है उसमें कहीं सेंधमारी ना हो, और जिस तरह से खास वर्ग को उन्होंने इशारा किया है आप भी समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरफ इशारा है, और जो उनके मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया रामचरितमानस को लेकर उसके बाद पूरी तरह से किकिरी हो रही है। नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो सरकार के जितने भी साथ सहयोगी हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो यही कारण था कि तेजस्वी ने पहले भी कहा था, आप याद करिए, तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि ए टू जेड को साथ लेकर चलना होगा, और वो समय गया। एक वर्ण की जो बात होती थी, एक खास जाति समाज की जो बात होती है, हालांकि बिहार में जातीय समीकरण अभी भी हावी है, और ऐसे में सरकार ये देख रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है या फिर तो संजीव, क्या हम ये माने कि बिहार उस दौर से आगे नहीं निकल पा रहा है, जो कभी माई समीकरण होता था, भूरा बाल था, वो फिर उसी दौर में बिहार लौट रहा है? बिल्कुल, देखिए उस दौर में जिस तरह से जो बयानबाजी उससे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो एक जातीय समीकरण है उसको लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। भले ही सामने आकर ये कह रहे हो कि हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग एक साथ चले, लेकिन जातीय समीकरण बिहार में
खासकर जब राजनीति की बात होती है तो सबसे ज्यादा हावी होती है, और यही कारण है कि तेजस्वी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 और 25 में उनका पूरी तरह से सिक्का चले। और ये बिल्कुल साफ है, देखिए अंदर अंदर जेडीयू आरजेडी भले ही सरकार चला रही है लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको बहुत कुछ सामने दिखेगा बिहार की राजनीति में। बस शायद इसीलिए कहा जाता है कि जाती है जो आती नहीं, शायद इसीलिए कहा गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण था कि तेजस्वी ने जो इशारा किया है बिल्कुल साफ है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, यानी कि अब वो कोशिश हो रही है जेडीयू आरजेडी और तमाम पार्टी जो इनके सहयोगी हैं कि कहीं ना कहीं जिस वर्ग को ठोस ठेस पहुंचा है या जिस वर्ग को इशारा कर रहे हैं। अच्छा संजीव, देखिए कल के दिन तेजस्वी यादव ये भी कहे कि हमारा हिंदुओं से पुराना रिश्ता है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक तरफ वो खुद की सफाई भी दे रहे हैं और एक तरफ बीजेपी आरएसएस को निशाने पर भी ले रहे हैं, मंशा उनकी साफ जाहिर होती है। संजीव देखिए बिल्कुल, ये कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका एक खासा वर्ग, क्योंकि बहुत सारे वोट बैंक अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो भूमिहार जाति है, ब्राह्मण जाति है, राजपूत जाति, इनका भी एक अपना वोट बैंक है, एक समीकरण है, जिस समीकरण को तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से वो निकले या किसी तरह किसी बयानबाजी से उनके पार्टी को नुकसान हो। तो देखिए उन्होंने ये भी कहा था तेजस्वी, याद करिए कि बयान पीरों से ये सरकार नहीं चल रही, यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ इशारा किया है कि कोई भी मंत्री कोई भी विधायक अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल अब रोके, और आने वाले समय में यही तेजस्वी का कह सकते हैं इशारा है कि वो सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। ठीक है संजीव, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो